बार एक नया वैरायटी अंजीर आया है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रीकोस इजरायली वैरायटी, मतलब इजरायली वैरायटी प्रीकोस इसका नाम है। ये देखिए, गमले में भी इसी तरह लिख के भेजा है, प्रीकोस अंजीर का एक नया वैरायटी है, ठीक है। और मैंगोस्टीन का भी मदर प्लांट था, लेकिन गाड़ी में आते आते इसका हाल भी बहुत बुरा हो गया, ठीक है। अभी भी 21 मैंगोस्टीन है, ठीक। अभी सिर्फ एक्जोटिक फ्रूट के ऊपर वीडियो में आज बना रहा हूँ। एक्जोटिक फ्रूट में क्या क्या है वैरायटी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो ये रेन फॉरेस्ट, ये गमले में लगा है, इसका छोटा प्लांट भी है रेन फॉरेस्ट का ही, ठीक है। और ये जो है ये रियो ग्रांड चेरी, ये रियो ग्रांड चेरी का प्लांट है, ठीक है। ये सब कीमत भी है अच्छा खासा, सब 1000 रुपये 1200 रुपये इसी तरह इसको सेल करना पड़ते, रियो ग्रांड चेरी यही है, ठीक है। और इधर जो है ये बेल चंबा, जो वाटर एप्पल, ये काफ़ी बड़ा पैकेट में है, ये भेजना भी बहुत ही मुश्किल है। जो नर्सरी पे आके लेके जा पाएगा उनके लिए सही है, ये अगले साल फल देना शुरू करेगा। ये फल ठीक इसी तरह ही होता है जैसा इसका पिक्चर दिया गया, ये देखिए इसका पिक्चर इसी तरह दिया गया। ये काफ़ी पुराना पौधा है, अगले साल इसमें फल भरपूर दे देगा। जाबोटी का इस बार कई सारा वैरायटी है, ये फूजांग का वैरायटी, ये एकदम पूरा, ये देखिए किस तरह की झाड़ है इस बार, ठीक है। ये अगले साल फल देगा नहीं, शायद 2 साल लगा देगा इसमें फल देने में, ठीक है। ये देखिए किस तरीके का है। और इसमें ये देखिए, ये सब है ग्राफ्टिन वाला, ये सब ग्राफ्टिन वाला है, ठीक है। ये देखिए एक ग्राफ्टिन वाला, नीचे से ग्राफ्टिन करके रखा है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, 3-3.5 फीट हाइट हो जाएगा, इसका उम्र 2 साल तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले साल इसमें फल देना भी शुरू कर देगा। ये देखिए ये पाउलिस्ट का वैरायटी है, ये देखिए किस तरीके का, ये पुराना पौधा है, ठीक है। ये अगले साल फल दे देगा। आप जाबटी का बात तो कीमत तो अच्छा खासा होता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये मामी सपोटा का सीडलिंग प्लांट है, इसमें फल आने में आपको कम से कम 4 साल लग जाएगा, ठीक है। ये सीडलिंग प्लांट है, ये काफ़ी कीमत में सेल करना पड़ते हैं, अभी इतना तो अवेलेबल नहीं है, और ग्राफ्टेड तो है ही नहीं अपने पास। ये सीडलिंग है ये, और इधर ये अमेरिकन ब्लूबेरी इस तरीके से होता है, इसमें भी फलाने में आपको 1 साल प्लस समय लग जाएगा। अमेरिकन ब्लूबेरी इसी तरह ही है, ठीक है। और चेरी का और एक वीडियो और एक वैरायटी में आपको दिखा रहा हूँ चेरी का। ये देखिए ये जो है वो ये ब्लैक सूर्या नाम चेरी, ये आपको ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक सूर्या नाम चेरी, ये काटिंग का पौधा है, ठीक है। मतलब गुटी कलम किया गया, ये देखिए ये 3-4 फीट जैसा, इसका हाइट है 3-4 फीट जैसा, ये अगले साल फल दे देगा ब्लैक सूर्या नाम चेरी। और ब्लैक सूर्या नाम और रेड सूर्या नाम में सिर्फ मतलब कीमत का बहुत फ़र्क है, लेकिन टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं है, 18-20 इसी तरह फ़र्क है, लेकिन रेट में बहुत फ़र्क है। ये अगर 600 रुपये हो तो वो 300 रुपये होता है, रेड सूर्या नाम इतना फ़र्क है रेट का, लेकिन अच्छा लगता है ये खाने में, बहुत बढ़िया बनता है ये। और इधर भी कुछ वैरायटी है, काफ़ी सारा वैरायटी आया, कम से कम 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। ये देखिए इधर ये जो है ये आपका लिली पिली, ये पिंक वाला लिली पिली जो है ये पिंक वाला है, एक्चुअली ये मतलब ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा भी होता है सावर टेस्ट। और ये आपका रेड कलर की, ये छोटा पत्ता वाला लिली पिली, ये रेड कलर की आता है, ठीक है। ये भी अगले साल फल दे देगा, ये जल्दी ही फल देता है, ठीक है। और इधर ये जो है ये किंग कॉन्ग जामुन, सबसे मोटा जामुन जो 150-200 ग्राम करके वजन होते हैं, और खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं किंग कॉन्ग जामुन। इसका भी कीमत अभी अच्छा खासा कीमत है, ये इतना अवेलेबल नहीं है, तो बहुत अच्छा वैरायटी है किंग कॉन्ग जामुन। और इधर की जो है ये अभी सब मतलब ये तो पौधा आया सिर्फ 2-3 दिन हुआ है, इसीलिए पौधे की हालत भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में ये सुस्त हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जायंट आव्यू, ये देखिए ये न्यू वैरायटी में आते हैं अभी फिलहाल, ये काफ़ी मोटा 600-700 ग्राम करके वेट होगा एक एक पीस का, ठीक है। जायंट वैरायटी आव्यू, ये 3 फीट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, उससे भी नीचे होंगे। सर लंगन में आपको 4 सीजन और पिंग पोंग अभी फिलहाल है, लेकिन बाकी तो सेल हो गया, थोड़ा बहुत है अभी भी 7-8 पौधा करके। 4 सीजन और पिंग पोंग, ये मैंगोस्टीन का ग्राफ्टिन पौधा है,
मैंगोस्टीन का ग्राफ्टीन इसी तरह होता है, ये भी हमें काफ़ी कीमत दिया खरीदने में। और इधर जो है आपका मैनिला चेरी, ये देखिए मैनिला चेरी, ये छोटा पौधे में भी इसी तरह फल आया है देखिए, ठीक है, ये एक ही में था मैनिला चेरी। ये भी बढ़िया बनता है, जब ब्लैक कलर बन जाते हैं तब इसको खाना है, ठीक है। और उधर आपके पीछे जो है वो केलडंग, इधर केलडंग भी फिर लाना पड़ा, केलडंग भी ठीक इसी तरह ही होता है। ये देखिए केलडंग इसी तरह होता है, मतलब जैकफ्रूट का ही वैरायटी की जैसा ही, ठीक है, छोटा छोटा बनता है जैकफ्रूट जैसा, भीतर में अंदर में इसी तरह रेड कलर बनेगा, ठीक है। तो एक ही दिन में तो पूरा वैरायटी दिखाना मुश्किल है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में भी एक्जोटिक फ्रूट प्लांट जितना भी है एक एक करके मैं दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए अच्छा रहना।